आज की वीडियो वीएलसी मीडिया बिल्डर के जरिए किस तरीके से कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करें इस पर मुनसिर है। यह कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कुछ चल रहा है या जो भी सॉफ्टवेयर में हम वर्क कर रहे हैं, जो रनिंग प्रोग्राम है, उसकी वीडियो किस तरीके से बनाए बगैर जो वीडियो कैप्चर सॉफ्टवेयर के जरिए या वीएलसी मीडिया के जरिए। वीएलसी मीडिया प्लेयर को हम ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, और इसको ओपन करने के बाद मीडिया के ऑप्शन में जाएंगे। मीडिया के ऑप्शन में भी हम कैप्चर डिवाइस के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर भी फाइल का ऑप्शन है, डिस्क का ऑप्शन है, लेकिन हमें यहाँ पर जाना है कैप्चर डिवाइस के ऑप्शन में। यहाँ से कैप्चर मोड को जो है डेस्कटॉप करना है। इसी तरीके से नीचे जो प्ले बटन बनी हुई है उसके बाजू में जो है ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है, उससे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ फ्रेम्स को 10 करना है, और फिर नीचे आना है प्ले बटन में, और यहाँ से जो है ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। यहाँ से कन्वर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम कन्वर्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसके अंदर क्वालिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। जैसे ही हम क्वालिटीज के न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, सिलेक्ट क्वालिटी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सारी वीडियो क्वालिटीज जो है दी हुई है। अब हमें वीडियो बनाना है तो किस फॉर्मेट में बनाना है, किस क्वालिटी में बनाना है, किस टाइप में बनाना है, ये हमारे ऊपर बेस्ड है। अगर मेरे को MP4 वीडियो बनाना है, MKV बनाना है, WMV बनाना है, AVI बनाना है, तो जो भी क्वालिटी मुझे बनाना रहेगा मैं वो सिलेक्ट करके क्रिएट कर दूंगा। अभी फिलहाल मैं जो प्रोफाइल नेम देना भूल गया, इसलिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि प्रोफाइल नेम जो है वो देना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर प्रोफाइल नेम देता हूँ 1248 और क्रिएट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद ब्राउज़र का ऑप्शन आएगा, यहाँ से मैं उस फोल्डर को सिलेक्ट करूँगा जिस फोल्डर के अंदर मेरे को वीडियो सेव करना है, और जिस नाम से मेरे को सेव करना है वो नाम मैं यहाँ पर दे दूँगा। इतना करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं VLC दिया हूँ। अब यहाँ पर आकर के स्टार्ट पर क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं स्टार्ट पर क्लिक करूँगा वैसे ही मेरी वीडियो जो है क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। अब मैं आता हूँ कोई सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, वीडियो बनना जो स्टार्ट हो चुकी है, मैं जो है गूगल क्रोम ही ओपन कर लेता हूँ, इसमें व्हाट्सएप रनिंग है, तो हम वीडियो देखेंगे वीडियो बनी है या नहीं बनी है। अभी VLC को जो है मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं उस फोल्डर के अंदर जाता हूँ जहाँ मैंने वीडियो सेव किया है, उस फोल्डर में जा करके VLC के नाम से वीडियो बनी होगी, मैं उस वीडियो को देखूँगा तो वो वीडियो बनी है या नहीं बनी है। ये है वो वीडियो जो मैं बना रहा था। तो हमने सीखा कि किस तरीके से VLSI मीडिया प्लेयर के जरिए कंप्यूटर के रनिंग प्रोग्राम को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम VLSI मीडिया प्लेयर को ओपन किया, उसके बाद मीडिया के ऑप्शन में जाने के बाद ओपन कैप्चर डिवाइस के अंडर में कैप्चर डिवाइस में सिलेक्ट कैप्चर मोड को डेस्कटॉप किया। इसी तरीके से डिजायर्ड फ्रेम रेट द कैप्चर इसको 10 किया, और प्ले बटन के बाजू में जो ड्रॉप डाउन एरो है उस पर से हमने कन्वर्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद क्वालिटीज का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आया, उसमें से हमने वो क्वालिटी सिलेक्ट की जिस क्वालिटी में हमें वीडियो
रिकॉर्ड करना था। इसी तरीके से जैसे ही हमने क्वालिटी सिलेक्ट की, उसके फौरन बाद हमें जो है ब्राउजर में जाकर के फोल्डर को सिलेक्ट करना था। हमने उस फोल्डर को सिलेक्ट किया जहां हमको वीडियो सेव करना है, और हमने वीडियो का नाम दिया। इसी तरीके से हमने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद हम अपना जो भी वर्क है, जो भी प्रोसेस है जिसे हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उस रिकॉर्डिंग को, उस प्रोसेस को जो है अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद वीएलसी मीडिया प्लेयर को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जो है हम उस फोल्डर में गए जहां पर वीडियो को सेव किया था, हमारी वीडियो वहां पर मौजूद थी। तो ये था तरीका वीएलसी मीडिया प्लेयर के जरिए जो है कंप्यूटर के रनिंग प्रोग्राम को कैसे रिकॉर्ड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।